और हो सकता है यार हम सर्विस भी करा लेंगे तो फिर आपको सर्विस कॉस्ट भी जो है पता लग जाएगी। तो देखिए 15,000 रुपये से ऊपर की जो कॉस्ट है वो चली गई। जैसे कि आप देख सकते हो कि बाइक जो है वो रेडी है और टायर जो है वो डल गया है, साथ ही साथ हमने एलॉय भी रिप्लेस करा लिया है और साथ ही साथ इसकी सर्विस भी करा ली है। तो इसमें टोटल कितना खर्चा आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम निकलते हैं घर क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो आइए पहले घर चलते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि क्या क्या हुआ सर्विस में और मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, साथ साथ आपको खर्चा भी पूरा का पूरा बता दूंगा। देखिए ये बिल है, बहुत ही लंबा चौड़ा बिल है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना ज़्यादा बिल है, इतना लंबा बिल है, इतने सारे पैसे क्यों लगे वो चीज़ें मैं आपको सारी की सारी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि हमने सर्विस भी कराई साथ साथ, सर्विस में क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर की जो कॉस्ट है वो है 76 रुपीज़। इसके बाद इंजन ऑयल जो है वो चेंज हुआ, इंजन ऑयल जो है वो मैं अपना लेकर गया था मोटूल का 7100 डेढ़ लीटर, तो डेढ़ लीटर इंजन ऑयल जो है वो मैं लेकर गया था क्योंकि थोड़ा सा पहले मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो 1200 रुपये का ऑयल आया मेरा। इसके बाद जो इनलाइन फ्यूल फिल्टर है वो चेंज हुआ, जो कि लास्ट सर्विस पर नहीं हुआ था तो इस बार मैंने उसे करा लिया, उसकी जो कॉस्ट है वो है 106 रुपये। इसके बाद एयर फिल्टर आपने देखा कि कितना गंदा निकला, वो साफ़ होके दोबारा से लग गया जबकि अभी वो चेंज नहीं हुआ, मैं उसे चेंज कराऊंगा क्योंकि स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो हम ऐड कर लेते हैं, वो आता है 260 रुपीज़ का, अभी मैं रिसेंटली जाऊँगा तो उसे चेंज करा दूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा कि पूरी जो वॉशिंग वगैरह होती है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होती हैं, चेन की एडजस्टमेंट वो सब हुई, चेन ल्यूब मैंने नहीं कराई क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करा लेता हूँ, तो ये सब मिलाकर जो है सर्विस की कॉस्ट आई। साथ ही साथ आपको पता है कि जो KTM की सर्विस है वो थोड़ी सी महंगी है, तो यहाँ पर 944 जो है वो लेबर चार्ज लगा इन सब चीज़ों का। इसके अलावा जो डैमेज था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट की फेयरिंग है उसमें एक क्रैक था, वो चेंज हुई है, उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, उसका प्राइस है 1287 रुपीज़। और इसके साथ जो हमारा एलॉय है वो बेंड था तो वो भी हमारा चेंज हुआ है, जिसकी कॉस्ट आई है 5893 रुपीज़, ऑलमोस्ट 5900। और ये टोटल जो पार्ट्स के बिल हैं वो मिलाकर हो जाते हैं 7362 रुपीज़। अब लेबर की बात कर लेते हैं, 944 रुपीज़ जो है वो हमारी सर्विस कॉस्ट थी, साथ ही साथ यहाँ पर 236 की एक लेबर इन्होंने लगाई है और एक 295 की लेबर लगाई है, तो ये दोनों लेबर मिला के जो टोटल लेबर हो जाती है वो हो जाती है 1475 रुपीज़। तो अगर मैं टोटल बिल सिर्फ KTM का देखूं तो वो हमारा बनता है 8837 रुपीज़। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या ऐड करना है। इसमें हम ऐड करेंगे आपका 1200 रुपीज़ इंजन ऑयल के, साथ ही साथ आपने देखा कि ब्रेक पैड भी चेंज हुए थे, तो ब्रेक पैड जो है वो मैंने सेरेमिक डलवाए थे रियर के, क्योंकि वो आपने देखा कि घिस चुके थे, हालांकि थोड़ा सा और चल जाते पर मैंने सोचा चलो अब सर्विस हो रही है तो साथ ही साथ चेंज करा दें, तो सेरेमिक जो ब्रेक पैड हैं वो आए थे 900 रुपीज़ के, ये हो गए टोटल 2100। इसके अलावा जो टायर है वो चेंज हुआ, वो आपने देखा अपोलो अल्फा H1, वो ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ का टायर था,
तो ये टोटल मिला के जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ वो हुआ 6100। अगर हम इसे KTM के बिल में ऐड कर देते हैं ये आपका बन जाता है ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 14,937 रुपीज़। मतलब 15,000 रुपये की ये सर्विस हुई है मेरी। और अब आप कहेंगे कि यार ये तो इंश्योरेंस में हुआ था। हाँ देखिए, इसमें इंश्योरेंस जो है उसमें क्लेम मुझे मिला था तो वो क्लेम आया था 8,000 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट पूरा अगर देखें तो ये सर्विस जो है वो एक मेजर सर्विस बन जाती है, जिसमें कि एयर फिल्टर की भी मुझे अभी कॉस्ट जोड़नी है 260 रुपीज़। तो देखिए 15,000 रुपये से ऊपर की जो कॉस्ट है वो चली गई। मेरा बिल जो इतना ज़्यादा आया उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एलॉय है, वो तो जो आपका चेंज होना है वो होना ही है, अगर वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो होगा। साथ में जो लेफ़्ट की फेयरिंग है उससे चेंज कराना भी ज़रूरी था क्योंकि उसमें क्रैक आ गया था। तो ये दोनों जो चीज़ें मिलाकर हैं वो बन जाती हैं 7,200 रुपीज़ की। अगर हम इनको हटा दें तो यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी ऑलमोस्ट अराउंड 8,000, क्योंकि आपका जो टायर है वो भी अगर आपका चेंज होने वाला है तो ऑब्वियसली बात है 10,000 के बाद तो फ्रंट टायर चेंज होगा ही होगा, तो वो कॉस्ट ऐड हो जाती है। साथ ही साथ ब्रेक पैड की कॉस्ट ऐड हो जाती है। और फिर बाकी जो अगर नॉर्मल सर्विस होती, अगर ऐसी चीज़ें कोई चेंज ना हुई होती तो ये जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स 4,000 के आसपास तक निपट जाती। अब बाइक रेडी है अगले 7,500 किलोमीटर चलने के लिए। एक साल के बाद मैं सर्विस कराता हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरी बाइक कम चलती है तो मैं एक ही साल में सर्विस कराता हूँ। तो अब नेक्स्ट ईयर इसकी सर्विस होगी, फिर देखेंगे कि इसका क्या कॉस्ट आता है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, ये थी मेरी अपडेट। इसी वजह से जो वीडियोज़ हैं वो KTM पर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है मैं आपको सारा का सारा अपडेट करूँगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे और आपने सारा कुछ देख लिया कि क्या क्या होता है, कितना कितना खर्चा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।